बच्चे देश का भविष्य है। गरीब, बेसहारा और हालात के शिकार असंख्य बच्चों की भलाई एवं विकास हेतु बाल कल्याण परिषद पिछले कई दशकों से प्रदेश के सभी जिलों में कार्य कर रही है। यमुनानगर जिला के जिला बाल कल्याण अधिकारी सुखमिंदर सिंह, जो कि 17 मई से कुरुक्षेत्र के जिला बाल कल्याण अधिकारी का एडिशनल चार्ज भी संभाल रहे हैं, उन्होंने खबरनामा हरियाणा के साथ बातचीत के दौरान बाल कल्याण परिषद द्वारा प्रदेश भर में चलाई जा रही गतिविधियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। प्रस्तुत है बातचीत के मुख्य अंश। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बच्चे देश का भविष्य हैं। बच्चों के भविष्य पर ही देश की बुनियाद टिकी हुई है। ऐसे में देश में असंख्य बच्चे ऐसे भी हैं जो गरीब हैं, बेसहारा हैं या हालात का शिकार है। इन संस्थाओं, इन बच्चों के भविष्य के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा अलग अलग योजनाएं चलाई गई हैं और उन योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया गया है। सामाजिक संस्थाएं भी ऐसे बच्चों के भलाई के लिए लगातार कार्य कर रही हैं। ऐसे में प्रदेश में बाल कल्याण परिषद बच्चों के, ऐसे बच्चों के जो गरीब हैं, बेसहारा हैं या हालात के शिकार हैं, उनके लिए विभिन्न प्रकल्प चला रही है। आज हम जिला बाल कल्याण परिषद में मौजूद हैं जिला बाल कल्याण अधिकारी सुखविंदर सिंह जी के साथ। हम इनसे जानेंगे कि जो परिषद के कार्य और उनकी गतिविधियों को लेकर कि परिषद बच्चों को, ऐसे बच्चों के विकास के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनके उत्थान के लिए क्या क्या कार्य कर रही है। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार जी। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो बाल कल्याण परिषद है, इसकी स्थापना कब, कहाँ से हुई और किनके नेतृत्व में कार्यरत है? हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद वर्ष 1970 से इस बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत हैं। महामहिम राज्यपाल हरियाणा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार इसमें शीर्ष नेतृत्व में है। महामहिम राज्यपाल जी के शीर्ष नेतृत्व में वो हमारे प्रधान हैं। उप प्रधान के तौर पर हमारे CM साहब इसमें मेंबर रहते हैं। और जिला स्तर पर जिला बाल कल्याण परिषद हमारी हैं, उसके हमारे प्रधान जो हैं हमेशा उपायुक्त महोदय हैं, एंड जितने भी हमारे अदर ऑफिसर्स हैं वो हमारे लाइफ मेंबर हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स रहते हैं। ये सर, जो ये परिषद है, कितने तरह की सर्विस प्रोवाइड करा रही है? जी, हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद में दो तरह की सर्विसेज दी जाती हैं। एक हम कहेंगे इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज, एक कहेंगे नॉन इंस्टीट्यूशनल सर्विस। इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज के अंदर हम ऐसे बच्चे जो बेसहारा हैं, बेसहाय हैं, हालात के शिकार हैं, गुम हैं, मिसिंग हैं, जो पुलिस को मिल जाते हैं, किसी लोगों को मिल जाते हैं कि यहाँ स्थिति में बच्चा मिला है, तो हर जिले में बाल कल्याण समिति के माध्यम से वो बच्चा हमारे होम्स में आ जाता है। जिला यमुनानगर में, रेवाड़ी में, गुरुग्राम में, रोहतक में, ये हमारे बाल गृह हैं जिनके अंदर हम ऐसे बच्चों को रखते हैं जो हालात के शिकार हैं, मिसिंग हैं। और हमारी कोशिश ये रहती है कि उन बच्चों को उनके परिवार से मिलाया जाए और उनके बच्चों को उनके परिवार में जाकर उनका रिहैबिलिटेशन भी करवाया जाए। तो सर, कुरुक्षेत्र में बाल भवन में लगभग कितने तरह की गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं? कुरुक्षेत्र बाल भवन में भी हमारी नॉन इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज चल रही हैं, जिसके अंदर हम बच्चों के लिए कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं, और वो बच्चे जो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं उनके लिए कटिंग टेलरिंग का है, उनके लिए स्कूल भी है हमारे पास, इस तरह के स्कूल की एक्टिविटी करते हैं जिसमें, एंड एक ओपन शेल्टर होम के नाम से हमारा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर इस तरह के मिसिंग चिल्ड्रन हैं, दूसरे हैं, उन बच्चों के लिए हम काम करते हैं जो स्लम एरिया के अंदर हैं ऐसे बच्चे, और उन बच्चों के साथ जो अभी स्कूल में रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं उन बच्चों का एक आंकड़ा बनाना, और कोशिश ही रहती है कि उन बच्चों को स्कूल में जाके हम रजिस्ट्रेशन करें ताकि वो भी फॉर्मल एजुकेशन में अपने आप को रजिस्टर कर सकें और एक देश का अच्छा नागरिक बनने का उनका भी सपना साकार हो सके। सर, जैसे आपने बताया कुरुक्षेत्र बाल भवन में कटिंग टेलरिंग सिखाई जा रही है, कंप्यूटर सिखाया जा रहा है और स्कूल भी चलाया जा रहा है, तो क्या इसमें कोई क्राइटेरिया भी निश्चित किया गया कि गरीब बच्चा ही सीख सकता है या इस एज से इस एज तक का बच्चा सीख सकता है? हमारे पास 18 साल से कम उम्र का बच्चा कोई भी आ सकता है उसमें, और ये हमारा ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि उसमें गरीब परिवार का कोई, जो भी बच्चा रुचि के अनुसार भी सीखना चाहता है वो बच्चा भी आ सकता है, और जिसकी नीड है वो तो आ ही रहा है, तो हम सभी बच्चों का, सामान्य बच्चे हैं, हालात के शिकार से हटके हैं, उनका भी वेलकम करते हैं कि ताकि वो भी समाज के अंदर इस तरह के अपना काम सीख कर अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, चाहे वो कंप्यूटर की शिक्षा है या कटिंग टेलरिंग की है या दूसरे, और जिसमें हम इनकम जनरेशन की बात करते हैं कुछ टेक्निकल हमारे प्रोग्राम चलते हैं हर जिले में अलग अलग, तो उसके अनुसार कर सकते हैं। और हमारी काउंसिल इससे भी हटके
हम जैसे डे केयर सेंटर चलते हैं हमारे के एक परिवार के अंदर पति पत्नी हैं, उनका बच्चा है, दोनों वर्किंग में हैं, तो बच्चे को कौन रखें, समाज की समस्या रहती है, तो ऐसे बच्चे को वो हमारे डे केयर सेंटर में यहाँ छोड़ सकते हैं। लड़कियाँ जो कॉलेज में आ रही हैं, जो लेडीज़ हैं और वो गरीब परिवार से हैं, तो उनके लिए यहाँ ब्यूटीशियन कल्चर ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ बनाया गया है, और कुछ बच्चों के लिए कोचिंग क्लासेस हैं जो हम लोग ऐसे बच्चों के लिए जो 10th और प्लस टू के बच्चे हैं जिनको मैथ की कोचिंग चाहिए, इंग्लिश की चाहिए, वो हम प्रोवाइड करते हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे पास चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098, आप सभी ने सुना है 1098 पे जैसे ही हमारी कॉल आती है तो उन बच्चों को हम जहाँ से भी उन बच्चों को हेल्प चाहिए रेस्क्यू करते हैं और उनके हेल्प के लिए हम आगे हमेशा तैयार मिलते हैं। ऐसे ही हमारे बहुत से प्रोग्राम हैं जो महिला एवं बाल विकास विभाग हैं उससे जुड़ी हुई बहुत सी एक्टिविटी हैं जिसमें हम विभाग के साथ मिलकर उन गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। सर, जैसे आपने अभी इनकम जनरेट की बात की, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सर जो बाल भवन में गतिविधियाँ चल रही हैं, स्कूल है या जो और कंप्यूटर सेंटर कटिंग टेलरिंग है, तो क्या इनमें निःशुल्क चलाया जा रहा है कि इनसे कोई बच्चों से चार्जिंग ली जा रहे हैं जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे आ रहे हैं? ये निःशुल्क तो नहीं है लेकिन एक नॉमिनल फीस है, क्योंकि मैंने अपना अनुभव भी ये देखा कि अगर किसी को हम कोई फ्री में मुफ्त में कोई चीज़ देते हैं तो उसकी कदर नहीं होती, तो नेचुरली हम लोगों ने एक नॉमिनल फीस रखी हुई है ताकि बच्चा आए और अपनी वो फीस दे और उसी फीस से हम आगे की एक्टिविटियाँ में जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी देते हैं। सर, परिषद द्वारा जितने प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, कर्मचारी भी हैं, तो इनमें परिषद की आय का मुख्य स्रोत क्या है? जी बिल्कुल अहम सवाल है आपका। सन 1970 से जब से ये परिषद चली है इसका इनकम का सोर्स स्कूलों से हमारी चाइल्ड वेलफेयर फंड बोलते थे CWF, उसको जो स्कूलों से फीस आती थी वो DO के माध्यम से इकट्ठी होकर हम लोग स्टेट काउंसिल को दिया करते थे, उस वो इनकम सोर्स था। लेकिन वर्ष 2010 में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देनी शुरू हो गई जिसमें कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक का ये फंड 2008 में बंद हो गया और इस वर्ष ये 9th से प्लस टू तक का वो भी बंद हो चुका है, तो बीच में ऐसे क्राइसिस आए हैं जिसकी वजह से ये समस्या हमारे सामने हमेशा बनी रहती हैं कि फंड क्रेंस रहता है, तो ऐसी स्थिति में सरकार हमें कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रोजेक्ट में हेल्प करती हैं। लेकिन सबसे मेन बात ये रहती है कि जिला के जो उपायुक्त महोदय होते हैं वो इस काउंसिल के प्रधान हैं और वो अपनी डोनेशन कहीं ना कहीं से इसमें डोनेशन करने की हेल्प करते हैं कि CSR होता है किसी कंपनी का उससे हेल्प करते हैं, और सबसे बढ़ के तो ये कहेंगे हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के जो मानद महासचिव हैं वो अपनी जिम्मेदारी को बेखूबी निभा रहे हैं और महिला एवं बाल विकास विभाग में उन्होंने एक अभी प्रोविजन भी कराया है कि जिला बाल कल्याण परिषद व बाल कल्याण परिषद की सभी शाखाओं को वो बजट मुहैया कराने की पूरी जोरदार कोशिश कर रहे हैं और वो शायद इस चीज़ में कामयाब भी हैं। सर, जिस प्रकार बाल कल्याण परिषद कार्य कर रही है उसी प्रकार अन्य विभाग भी हैं, जैसे रेड क्रॉस है, रेड क्रॉस कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान लोगों को ऑक्सीजन बांट रही है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सिलेंडर, मास्क, सैनिटाइजर बांट रही है, सामाजिक संस्थाएं बढ़ चढ़कर उनका सहयोग कर रही हैं, तो क्या ऐसे में बाल कल्याण परिषद भी सामाजिक संस्थाओं को बुला रही है, अपने साथ जोड़ रही है या संस्थाएँ आगे आ रही हैं? बिल्कुल, हम भी ऐसे एरिया जो जहाँ बच्चे ऐसे हैं, स्लम एरिया हैं या दूसरे, क्योंकि हमारा मेन मकसद तो उन बच्चों के साथ काम करना है जो डिप्राइव्ड हैं, जिन्हें सुविधाओं का अभाव है, तो हम लोग सभी संस्थाओं से अनुरोध कर रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करते हैं कि आप जिला बाल कल्याण परिषद में आइए, हम उन बच्चों के लिए एक किट बना रहे हैं, किट बना जिसमें 2 मास्क हैं, साबुन हैं, सैनिटाइजर हैं, बच्चों के लिए उसमें बिस्किट भी हैं या जो भी ऐसी चीज़, ताकि उन बच्चों को हम मोटिवेट कर सकें कि इस कोरोना जैसी महामारी के अंदर वो अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, इस महामारी में बचने के लिए उनके हम ये किट उनके घर तक पहुंचा रहे हैं, उनके हाथ में दे रहे हैं और उनको समझा भी रहे हैं, तो ये सभी सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर ही हमारा काम हो रहा है। सर, जैसे आप यमुनानगर के भी बाल कल्याण अधिकारी हैं, कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं, ऐसे में एक समय जो राज्य स्तरीय ऑनलाइन प्रतियोगिता चल रही है इसकी क्या अपडेट है सर? सर, मैं इस
ऑनलाइन गतिविधि के बारे में बताना चाहूँगे। हर वर्ष हमारे ग्रीष्मकालीन शिविर हुआ करते थे जो ऑफलाइन चलते थे। हर जिले में एक जब भी स्कूल की गर्मी की छुट्टियाँ होती थी तो हम इन बच्चों को अपने बाल भवन में बुलाते थे और विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ करते थे, जिसमें सिंगिंग की, डांस की, विभिन्न प्रकार की रहती थी। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इस बार नहीं कर सके और ना ही पिछली बार कर पाए, तो इस बार हमने इन ग्रीष्मकालीन शिविर को ऑनलाइन लिया है। और अच्छी बात यह है कि इस ऑनलाइन शिविर के अंदर लाखों बच्चों ने प्रदेश भर में हिस्सा लिया है। एंड अगर हम जिला लेवल की बात करें तो अगर ऑफलाइन बात करें तो हमारे पास ऑफलाइन हर साल 300 से 400 बच्चे इस शिविर में आते थे, लेकिन इस बार ये बच्चे हजारों की संख्या में हर जिले में हैं और लाखों की संख्या में पूरे प्रदेश भर से आए हैं। और जिन्होंने हिस्सा लिया है उनको ऑनलाइन हम सर्टिफिकेट ऑन द स्पॉट जारी भी कर रहे हैं, जो एक हमारा निर्णायक मंडल करनाल जिले में हमने रखा हुआ है। वो इस का निर्णायक किस गतिविधि में किस बच्चे ने कौन सी अच्छी हिस्सा लिया है उसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और कंसोलेशन निकाल के वो हमें हर जिले में दे रहे हैं और उनका सर्टिफिकेट भी हम ऑनलाइन उनको बच्चों को मिल रहा है। सर, जैसे इस समय कोरोना चल रहा है, ऑनलाइन गतिविधियां तो चल रही हैं, लेकिन जो ऑफलाइन कार्यक्रम थे, भले वो कंप्यूटर के थे, कटिंग टेलिंग थे, स्कूल के थे, तो वो टोटली बंद पड़े हैं। ऐसे में परिषद पर आर्थिक रूप से कितनी मार पड़ी है? सर, इस कोरोना महामारी की वजह से तो हम लोग एक तरह से बिल्कुल शून्य स्तर पे हैं आर्थिक स्थिति में, क्योंकि ना ही कोई गतिविधि चल रही है, ना ही किसी से हम फीस ले सक रहे हैं। स्टाफ हमारा ज्यों का त्यों है, स्टाफ को कम नहीं कर सकते। तो कोरोना महामारी की वजह से हमें आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है और हम तो अपील यही करते हैं समाज के हर धनाढ्य व्यक्ति से, हर साधन संपन्न व्यक्ति से, कि आप लोग इस परिषद को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि ये परिषद का जो गठन है उन बच्चों के लिए है जो बच्चे हालात के शिकार हैं। हम सामान्य बच्चों के साथ भी काम कर रहे हैं, हालात के शिकार बेसिकली हमारा वो देश है तो उन बच्चों के लिए है जो डिप्राइव्ड हैं और वो सभी को नहीं दिखाई देते। हम लोग उनके पास पहुंचने की कोशिश करते हैं और लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास आर्थिक साधन अच्छे होंगे। आर्थिक साधन हमारे इस समय ठीक नहीं है, तो कोशिश है, सरकार से हमने रिक्वेस्ट किया हुआ कि इस चीज़ की तरफ भी वो ध्यान दे रहे हैं। जी, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ जिला बाल कल्याण अधिकारी सुखमिंदर सिंह जी, जिन्होंने जो यमुनानगर के भी जिला बाल कल्याण अधिकारी हैं और कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं। इन्होंने बाल कल्याण परिषद के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी, गठन कब हुआ, कैसे हुआ, क्या गतिविधियाँ, क्या प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। ऐसे में इनके साथ किए गए सवाल जवाब में एक बात जो मुख्य रूप से निखर सामने आई है वो ये आई है कि जिस प्रकार बाल कल्याण परिषद प्रदेश के सभी जिलों में कार्य कर रही है बच्चों के विकास के लिए, उत्थान के लिए, खासकर ऐसे बच्चों के विकास के लिए जो गरीब हैं, हालात के शिकार हैं, उन बच्चों के विकास और उत्थान के लिए सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं भी बढ़ चढ़कर योगदान दे रही हैं। ऐसे में ज़रूरत है उन संस्थाओं को कि वो जिला बाल कल्याण परिषद के माध्यम से भी ऐसे कार्यों को बढ़ चढ़कर अपना योगदान दें। धन्यवाद।